भारत सरकार और राज्य सरकार के जो गाइडलाइंस और जो जियो हैं इसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे हॉटस्पॉट और बफर जोन को छोड़ते हुए बाजारों को ऑल्टरनेट के हिसाब से खोला जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से यही निर्णय हुआ है कि ये सारी गाइडलाइंस परसों दिनांक 21 मई से प्रभावी रहेंगी और उसके लिए लिखित में भी गाइडलाइंस अभी जारी कर दी जाएंगी। बाजारें एक दिन लेफ्ट साइड की खुलेंगी तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी, अगर आप रोड के हिसाब से देखें तो। प्रत्येक बाजार अनिवार्य रूप से एक दिन बंद रहेगा, जिस दिन नगर निगम की विशेष टीम लगा करके और व्यापारी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे बाजार का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। एसेंशियल दुकानों को, जिसमें दवाइयां, पेट्रोल पंप, सीएनजी इत्यादि, इनको छोड़ करके सारे बाजार प्रातः सुबह 7 से सायं 7 के मध्य ही खुल सकेंगे। हर जगह पे अनिवार्य रूप से सभी के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाएगा, सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार से, और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाएगी। देखिए, अब नई गाइडलाइंस है, अब इसके हिसाब से जनपद रेड जोन या ऑरेंज जोन में नहीं है। इसमें हमारे हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें लखनऊ में वर्तमान में 8 ऐसे कंटेनमेंट जोन्स हैं हॉटस्पॉट के, और इनसे जहां पर मल्टीपल केसेस हैं इससे अगले 250 मीटर की परिधि में बफर जोन रहेगा। तो बफर जोन का भी चिन्हांकन और जीपीएस मैपिंग हमारे स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, पुलिस और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को हम ये मोटिवेट करेंगे कि वो आरोग्य ऐप भी डाउनलोड करें और साथ ही साथ वो मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं कस्टमर, और एक डेटा वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा ताकि कभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की आवश्यकता हो तो तत्काल प्रभाव से किया जा सके।